दोस्तों, हमारी इस दुनिया में इतने लोग होने के बावजूद भी सब लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने इंसानों को एक जैसा बनाकर भी सबको एक दूसरे से अलग बनाया है। हमें दूसरों से अलग हमारे फेस का स्ट्रक्चर बनाता है और हमारी त्वचा का रंग भी। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे लोग दिखाने वाला हूँ जिनकी त्वचा का रंग करोड़ों में एक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो और साथ में घंटी भी दबा दो, ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नेस्टेया ज़िडकोवा, जिनको दुनिया की सबसे सुंदर अल्बिनो कहा जाता है। असल में इनको अल्बिनिज्म नाम की एक बीमारी है। ये बीमारी मेलानिन नाम के न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, जिसका काम हमारे स्किन, बाल और आंखों को रंग देना होता है। मेलानिन की कमी से शरीर का रंग सफेद पड़ जाता है, पर नेस्टेया ने अपनी इस कमी का अच्छे से फायदा उठाया और मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। और ये अकेली नहीं जो अपनी बीमारी का फायदा उठा के मॉडल बनी, ऐसे और भी कई मॉडल्स हैं। निकिया फिनिक्स, दोस्तों ब्लैक लोगों के मुंह पर ये होने वाले धब्बों को फ्रैकल्स कहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये उनके लिए एक परेशानी की समस्या है, मगर निकिया के लिए नहीं, उल्टा इन्होंने तो इसे अपनी खूबसूरती समझा। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि निकिया कोका कोला, टारगेट और अल्टरनेटिव जैसे बड़े ब्रांड को इंडोर्स कर रही हैं। यहां तक कि निकिया का एक अपना ब्लॉग भी है जिसपे ये ब्यूटी टिप्स देती हैं। इसके साथ साथ ये ब्लैक गर्ल ब्यूटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर भी हैं। कोनी चू, हांगकांग में पैदा हुई पहली एल्बिनो फैशन मॉडल को भी नेस्टेया की तरह एल्बिनिज्म था। आर्ट और जर्नलिज्म पढ़ने के बाद इन्होंने 24 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू करी, जब इनकी बहन ने इनसे अपने शो पर मॉडलिंग करने के लिए कहा था। इन्होंने सबके अलावा बहुत से क्लब में जैज गाने भी गाए हैं। विनी हार्लो, 4 साल की उम्र में विनी ने अपने पेट पे कुछ सफेद धब्बे देखे जो कि उम्र के साथ बढ़ गए। ये धब्बे विटिलिगो नाम की बीमारी के कारण होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यही बीमारी डांसिंग लेजेंड माइकल जैक्सन को भी थी, और विनी के खूबसूरत चेहरे के बाद भी बचपन में इन्हें चिढ़ाया जाता था और इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी। पर एक दिन इनको एक टीवी पर्सनैलिटी ने देखा और अमेरिका टॉप मॉडल नाम के शो में हिस्सा लेने को बोला। उसके बाद इन्हें बहुत सी बड़ी मैगजीन्स में देखा गया है, जैसे ग्लैमर, कॉम्प्लेक्स और कॉस्मोपॉलिटन। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी बड़ी म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है, जैसे एमिनेम के गट्स ओवर फियर और बियॉन्से के लेमोनेड सॉन्ग में। खोडिया डियोप, खोडिया का रंग बहुत छोटी उम्र से ही अलग था। इनका रंग बहुत ज्यादा डार्क था मेलानिन नाम के न्यूट्रिएंट के ज्यादा होने की वजह से। 17 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने एक फोटोशूट में भी पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था कलर्ड गर्ल कैंपेन। इस फोटोशूट में ब्लैक गर्ल्स की ब्यूटी के साथ हर साइज, शेप और स्किन टोन को दिखाया गया था। ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा और खोडिया के 100 से सीधा ऑलमोस्ट 4 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए। फिर ये बन गई एक सक्सेसफुल मॉडल और नाम पड़ गया मेलानिन गॉडेस। ये थे वो 5 लोग जिनकी त्वचा का रंग करोड़ों में एक था। तो दोस्तों इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपकी बॉडी शेप, कलर वगैरह मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ इंसान की मेहनत और काम करता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी मेहनत और काम से ही अपनी लाइफ में कुछ बनता है, ना कि बॉडी शेप और कलर से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए